हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनेडियन साहिल। मैं आप सबका साहिल शर्मा आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीडीए कॉलेज के साथ, एंड क्या क्या सपने एजेंट्स जो हैं वो दिखाते हैं जब कोई स्टूडेंट उनके पास जाता है कैनेडा में अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, बट एक्चुअल में क्या होता है बाद में। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे ये पीपीआर का जो चक्कर चल रहा है तो स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंड आपको भी पता है कि काफ़ी टाइम से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी एंटरटेनमेंट भी करनी चाहिए। आज की वीडियो कुछ वैसी ही होने वाली है गाइस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड अपने भी जो आपके कमेंट्स हैं या फिर आपके साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप शेयर करना, एंड आप भी ज़रूर ये बताना कि आपके एजेंट ने आपको क्या क्या बोला था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ, एंड आप कोई ऐसी वीडियो मिस ना कर दें। एंड स्पेशली वो लोग जो खाली वीडियो देख के चले जाते हैं, यार आप भी सब्सक्राइब कर दो। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड मैंने कुछ फैक्टर्स आप कह सकते हो कुछ मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि मोस्टली सब एजेंट्स ही स्टूडेंट्स को कन्वेंस करने के लिए बताते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था गाइस। जब मैंने अपना कनाडा का प्रोसेस स्टार्ट करना था, तो जब मैं अपने एजेंट के पास गया था तो उसने मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करके बताई, जिससे मैं कन्वेंस हो गया, एंड मैंने भी मॉन्ट्रियल में अप्लाई कर दिया। जो फर्स्ट जो फैक्टर था वो था हाई वीज़ा सक्सेस रेट। ये एक ना काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो लॉलीपॉप होता है जो एजेंट्स स्टूडेंट्स को देते हैं कि मॉन्ट्रियल में अप्लाई कर लो, वहाँ पे वीज़ा जल्दी आ जाते हैं, एंड ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस भी नहीं है, जिस स्टूडेंट का गैप है उनको भी वीज़ा मिल जाते हैं, लो बैंड वाले को भी वीज़ा मिल जाते हैं। गाइज, ये सब एक तरह का लॉलीपॉप ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है वो इससे पड़ता है कि जो प्रोविंस की गवर्नमेंट होती है तो वो कुछ जो अपना होता है उनका कोटा होता है वो देती है वो फेडरल गवर्नमेंट को, उस भी हाँ पे उनको डिसीजन देने होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल वीक है एंड आपके बैंड्स कम हैं, जहाँ कुछ भी आप और चीज़ें लगा लो कि आपका गैप है तो मॉन्ट्रियल में आपको 110% वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही बोला गया था कि आप मॉन्ट्रियल में अप्लाई कर दो, आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा, एंड आपको पता ही है फिर बंदा कन्वेंस हो ही जाता है, एंड बंदा सोचता है कि चलो वीज़ा तो बाहर ही जाना है, एंड खुशी के मतलब जो पल रहते हैं ना वो बड़े एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, तो बंदा बिना कुछ सोचे समझे उनकी बातों में आ जाता है। तो जो नेक्स्ट जो फैक्टर है या फिर जो आप कह लो कि मैं तो इसको वैसे लॉलीपॉप ही कह रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट लॉलीपॉप दिया जाता है एजेंट की तरफ से वो रहता है कि आपकी क्लासेस भी दो दिन ही रहेंगी। तो बीइंग ए स्टूडेंट हम क्या सोचते हैं कि खाली दो दिन ही क्लास रहेगी, ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़नी है, एंड हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे, अपनी फ़ीस भी खुद से पे कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सोच के मतलब एजेंट की बातों में आ जाते हैं, एंड वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है दो दिन क्लास है, बाकी पाँच दिन काम ही करेंगे, एंड काम करके फिर जैसे सबकी वैसे वही सोच होती है कि गाड़ी ले लेंगे लाइसेंस बना के, या फिर आप कह लोगे फीस कर लेंगे, आईफोन ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। ये उनके एजेंट्स के ट्रिक्स हैं, तो ये भी मैं आपको कहूँगा कि आप उनकी बातों में कभी ना आए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इन बातों में आ जाते हैं, एंड एजेंट तो आपको पता फिर लालच ही देंगे इन चीज़ों का। जो नेक्स्ट पॉइंट है डैट इज़ फास्ट वीज़ा प्रोसेसिंग। गाइज़, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये है कि जैसे एजेंट कहते हैं कि अगर आप ओंटारियो में अप्लाई करोगे तो महीना भर ऑफ़र लेटर नहीं आएगी, फिर आप ऑफ़र लेटर आने के बाद फ़ीस पे करोगे, देन एलओए नहीं आएगी। ऐसी बड़ी चीज़ें ना वो डाल देते हैं, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन महंगी है,
वहाँ पे ग्रॉसरीज महंगी हैं, तो ये बड़ी सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर देते हैं। तो बंदा ये सोचता है कि ठीक है, मतलब मॉन्ट्रियल में जैसे एजेंट बोलते हैं कि दो, हमारी कॉलेज में सेटिंग है जी, हम 2 दिन में आपको ऑफर लेटर लगा देंगे, बाकी LOA भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, खाली टाइम लगेगा CAQ को, वो भी 15-20 दिन में आ जाएगा, बस यही बोलते हैं कि 30-40 दिन में आपकी कंप्लीट फाइल एम्बेसी में जाएगी एंड आपका वीज़ा जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो ये भी एक बड़ा ही आप कह लो कि ब्रह्मास्त्र होता है एजेंट के पास कि जल्दी जल्दी वीज़ा आएगा, स्टूडेंट कहता है जल्दी जल्दी वीज़ा है, जल्दी जल्दी मैं कैनेडा अप्लाई करूँ, बस दैट्स इट, और उसका ही वो फ़ायदा उठा लेते हैं। एंड आपको पता ही है कि जो ये जल्दी वाला प्रोसेस है, इसके चक्कर में हमें एक एक साल हो गया है, एंड बस ये जल्दी के चक्कर में पड़ के हमने अप्लाई कर दिया मॉन्ट्रियल में। और अब आप देखो कि जैसे कई स्टूडेंट्स ने 2019 में, जिन्होंने जनवरी 2020 में अप्लाई किया था, तो उनको तो 1-1.5 साल हो गया, अभी तक कुछ वीज़ाज़ कुछ आ नहीं रहे हैं। एंड बाकी ये जो क्लैरिटी है इस वीज़ा के ऊपर, वो किसी को भी अच्छे से नहीं है, तो जल्दी के चक्कर में फिर कहते हैं ना कि काम गलत होता, तो मुझे लगता है कुछ वैसा ही हो गया अपने साथ। सो गाइस, जो नेक्स्ट लॉलीपॉप एजेंट स्टूडेंट्स को देता है कि मॉन्ट्रियल में तो फीस ही बड़ी कम है जी, वहाँ पे ज़्यादा चक्कर नहीं है फीस का, बाकी अब फीस जितनी भी है उसकी मतलब इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है, आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो, आप मंथली या क्वार्टरली ऐसे पैसे पे कर सकते हो, जहाँ आप इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। बाकी ये है कि कॉलेज बड़ा कोऑपरेटिव है, वो स्टूडेंट के साथ मतलब सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है, तो फीस वाला कोई चक्कर नहीं है। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ओंटारियो की कॉलेज जो हैं उनको कंपेयर करो, तो खाली मुझे लगता है 2 to 3 thousands का ही डॉलर्स का, कैनेडियन डॉलर्स का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी मॉन्ट्रियल में अगर आप देखो तो वहाँ पे जो वेजेस हैं वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, तो सब चीज़ें इंक्लूड करके देखो आप, तो अगर वहाँ पे मॉन्ट्रियल में खर्चे कम हैं तो ओंटारियो में खर्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको पैसे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो आप, वहाँ पे पार्ट टाइम जो वो भी ज़्यादा है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लोकेशन ऑफ कैंपस। सो लोकेशन ऑफ कैंपस जो है वो मॉन्ट्रियल की, आपको पता है डाउनटाउन में है जो हमारा CDI कॉलेज है, एंड कॉलेज जो है उसके आसपास जो मतलब अकोमोडेशंस आराम से मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को, एंड मॉन्ट्रियल जो है डाउनटाउन में है, तो मतलब CDI कॉलेज डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में है, तो वहाँ पे आपको पार्ट टाइम भी जॉब आसानी से मिल जाएगी, वो तो कोई इशू नहीं है। पसान थोड़ा ये फ्रेंच वाला चक्कर ज़रूर रहता है कि मॉन्ट्रियल में, हम जैसे पता ही आपको फ्रेंच फर्स्ट लैंग्वेज है, एंड बाकी जिन, अगर आपको फ्रंट डेस्क पे या किसी ऐसी जगह पे जॉब करनी जहाँ पे फ्रेंच चाहिए, या फिर मतलब आप पब्लिक डीलिंग करते हो, तो फिर फ्रेंच वाला चक्कर वहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी जो अकोमोडेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ी चीप है, एंड वो आप कह सकते हो कि जो जेन्युइनली एजेंट बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रेंच वाला चक्कर भी है। एंड दैट्स इट गाइस, यही था जो मुझे लगा कि जो लॉलीपॉप एजेंट्स देते हैं। बाकी अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और आप न्यू स्टूडेंट हो जो आप CDI कॉलेज मॉन्ट्रियल में अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप यहाँ पे अप्लाई मत करो, थोड़ा वेट कर लो। तो मेरा कॉलेज के साथ एक्सपीरियंस एक आप कह सकते हो कि सेटिस्फैक्टरी है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, जैसे अराउंड सितंबर 2020 से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो मुझे 8-9 months तो हो ही गए हैं क्लासेस ले लेते। बाकी ये है कि टीचर थोड़े कॉपरेटिव हैं, स्टडी इतनी टफ नहीं है, या फिर मुझे ईजी लगती है थोड़ी, एंड जो कॉलेज है या कॉलेज का स्टाफ है वो कॉपरेटिव है। लेकिन हाल ही में जो अभी मैंने भी एक्सपीरियंस ये किया है, एंड बाकी मुझे कुछ स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए थे कि वो अभी ना रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ अगर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेल को मतलब रिवर्ट करने में 4-4 5-5 दिन लगा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा है। बाकी कॉलेज ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पे स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से ही कवर कर जाओ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे। एंड गाइस, एक चीज़ जो मुझे एक, अब मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि इन कॉलेज में ना सप्ली वप्ली ज़्यादा नहीं आती है, मतलब ये स्टूडेंट्स को पास कर देते हैं, चाहे थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आए तो वो निकाल देते हैं, जो मुझे बाकी स्टूडेंट्स ने भी ये बातें शेयर की हैं। एंड अगर आप मुझे पूछो कि क्या मुझे CDI कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, तो फ़िलहाल एट द मोमेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फंसे हुए हैं,
एंड एजेंट्स भी अंधाधुंध फाइलें लगा रहे हैं, पता नहीं मतलब कहाँ उनकी ज़मीर जाके मर गई है। वो बस बच्चों के पैसे फंसा रहे हैं, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो एंड आप अभी अप्लाई करना चाहते हो या फिर आपका ऑफ़र आया हो सीडिया कॉलेज से, तो अभी या फिलहाल अपना जो कॉलेज है वो कोई और ले लो, क्योंकि अभी जो सही टाइम नहीं है अभी माउंटेल में अप्लाई करने का। ये नहीं कि सीडिया कॉलेज बड़ा ही ख़राब कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अच्छी रेपुटेशन है कॉलेज की, लेकिन एट द मोमेंट जैसे पता आपको उसके सीए के भी सस्पेंड हो गए थे, तो मुझे लगता है ये सही टाइम नहीं है। एंड स्टूडेंट्स के रिजल्ट वैसे भी नहीं आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की बीवीएल आई है कनाडा कॉलेज की, लेकिन सीडीए की मुझे कोई अभी तक देखने को नहीं मिली। तभी मैंने इस पर कोई वीडियो भी नहीं बनाई अभी तक, क्योंकि जब तक मुझे कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मैं आपको पता है वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही गाइस, मैं लेता हूँ आपसे आज के लिए अलविदा। पीस आउट।